बेटर पुराना देसी है। हेलो। हाँ हाँ मतलब वो दोनों अगर फ्लिकर कर रहा है मतलब साउंड आ रहा है ना। हाँ वही वो दोनों अगर फ्लिकर हो रहा है या नहीं नहीं, वो ऊपर वाला है वो फ्लिकरिंग होने होते रहना चाहिए। तीन लोग हैं कि और भी हैं? आज कम आए हैं। चलो लास्ट टाइम क्या कर रहे थे? इनवर्स निकालना आ गया था। डिटरमिनेंट मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट। मान लो एक हमारा मैट्रिक्स लिया हुआ है, अगर हमें इसका वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालना है तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट जो है वो किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके निकालते हैं। वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट निकालते समय इस बात का ध्यान रखना, एक ही रो या एक ही कॉलम को लेकर एक्सपेंड करना, जो मन में आए वही लेना, और साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना। साइन जब हमारा मैट्रिक्स लिखा हुआ रहता है तो यहां पर जो एलिमेंट लिखते हैं वो A11 होता है। अब इस A11 में अगर मैं इस नंबर को ऐड करूं तो कितना आ रहा है? या तो इवन आएगा या ऑड आएगा। या तो अगर इवन आ रहा है तो उसको प्लस लेना है, और ऑड आएगा तो ये वाला पोजीशन जो होता है यहां पर क्या लिखते हैं, 1 2 ऐड करो, 3 ऑड आया। मतलब एक बार अगर साइन एक जगह का पता चल गया तो उसके बाद अल्टरनेटिवली उसको चेंज करते रहना, प्लस माइनस प्लस। ये इस मैट्रिक्स का साइन कन्वेंशन है, इस मैट्रिक्स का ये। अब तुमको एक रो या एक रो से एक्सपेंड करना है, ठीक? किससे एक्सपेंड करें? फर्स्ट रो से। चलो फर्स्ट रो में साइन क्या है, पहले क्या है? पॉजिटिव। तो यहां पर पॉजिटिव तो एडिटिव है, हमारा एलिमेंट कौन सा है? एलिमेंट हो गया। ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको हटा दो, हो गया। इसके बाद साइन क्या था? माइनस। ये साइन माइनस था ना, यहां पर वो माइनस, और एलिमेंट कौन सा है? अब ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उसको उड़ा दो, 4 2 1
प्लस हो गया, माइनस हो गया, साइन यहां पर प्लस, एलिमेंट क्या है थ्री, ये एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में है उड़ा दो। अब इसी को सॉल्व करना है, ये हमारा माइनस वन एज इट इज, इसमें पहले ये मल्टीप्लीकेशन माइनस ये मल्टीप्लीकेशन, ठीक, इसको मल्टीप्लाई, माइनस वन हुआ, माइनस माइनस प्लस का टू यहां पर, ठीक, ये हमारा प्लस का थ्री। अब ये कितना, माइनस सिक्स, ये आ गया हमारा माइनस का सेवन, और ये आ गया ट्वेंटी वन, ये हो गया प्लस का फोर्टीन, ये हो गया इसका वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। कैसे भी निकालोगे, किधर से भी निकालोगे, यही आएगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करके निकालोगे, बस साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना कि किसको प्लस लेना है और किसको माइनस लेना है। एक बार अगर साइन कन्वेंशन ध्यान में रहेगा तो पहले जो रहता है वो साइन रहता है, साइन कन्वेंशन वाला, और ब्रैकेट में वहां पर जो एलिमेंट लिखा है उसको लिखना है। एलिमेंट को हमेशा ब्रैकेट में लिखना, इससे क्या होगा, ये पता चलेगा कि वहां पर अगर प्लस है तो प्लस वाला रहेगा, और वहां पर अगर कोई माइनस आया है तो हम उसको भी यूटिलाइज कर लेंगे। ठीक, ये था हमारा मॉड ए। अच्छा, एक चीज का ध्यान और रखना, इनवर्स जब हम निकालते हैं तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। मैट्रिक्स को अगर हमने ए से रिप्रेजेंट किया है, अगर हमारा कोई मैट्रिक्स ए है तो इसके इनवर्स को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए की पावर माइनस वन, ये उसका इनवर्स है। अच्छा, नॉर्मल अलजेब्रा में आना, नॉर्मल अलजेब्रा में अगर एक्स की पावर माइनस वन लिखा है तो क्या इसको हम वन अपॉन एक्स लिखते हैं। नॉर्मली अलजेब्रा में एक्स की पावर अगर माइनस वन लिखा है तो इसको क्या लिखते हैं, वन बाई एक्स लिखते हैं, लिखते हैं। और अगर कहीं पर एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स लिखा हो तो आता है, आता है, और वन इंटू एक्स, ये अलजेब्रा की जो दो तीन चीजें हैं इसको एज इट इज वैसे ही ध्यान में रखे रहना, उसका जरूरत हमको यहां पर पड़ता है, उसका जरूरत यहां पर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा, ये जो x है ये x ऊपर है कि नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो क्या ये ऐसा दिखेगा, दिखेगा। और इसको सॉल्व करके कितना आया था, आया था, और वन इंटू एक्स इज इक्वल टू, ये दो चीजों को समझ लो। अब इसका एप्लीकेशन यहां पर कैसे होता है, अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है ए इनवर्स इंटू, क्या ये इसके जैसा दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसमें वैल्यू कितनी आएगी। नॉर्मली कैसे समझना, ये ए की पावर माइनस वन है तो ये कहां चला आएगा, नीचे आ जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब कितनी बार ए, एक बार ऊपर वाला ए और एक बार नीचे वाला ए कैंसिल, बचा क्या, बचा कल के डेट में अगर ऐसा लिखा हो तो यहां पर ये आ जाएगा
ठीक। अच्छा कल के डेट में वन वन आता है। अब यहां पर ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारा मैट्रिक्स वाला पोर्शन है, तो मैट्रिक्स वाले में हम लोग वन नहीं लिखकर उसको आई लिख देते हैं, मैट्रिक्स में उसको वन ना लिख करके आई लिखते हैं। ठीक। अब यहां पर आओ इस वाले लाइन में, ये अलजेब्रा वाला पोर्शन था, तो वन इंटू एक्स लिखे थे, मैट्रिक्स वाले में वन को क्या लिखते हैं, तो अगर आई इंटू ए करूं वापस से हमारा ए आएगा। आई क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक। ए क्या है, मैट्रिक्स ए है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई जब करूंगा तो वापस से मुझे मैट्रिक्स ए ही मिलेगा। ठीक। ये सारी चीजें हमारी किसमें हैं, मैट्रिक्स में, ये नॉर्मल अलजेब्रा में, नॉर्मल ये मैट्रिक्स, जहां पर ये वन होता था उसकी जगह पर आई हो जाएगा। क्लियर। अगर ये क्लियर है तो इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ये जो अभी दो प्रॉपर्टी देखे ना, इस दो प्रॉपर्टी पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे हम लोग ए इनवर्स जब निकालते थे, हम लोग ए इनवर्स का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए, एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए जो हमने पढ़ा है वो तो है ही है, लेकिन अगर हमारे क्वेश्चन में बोला गया, जैसे हमें यहां पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक इस मैट्रिक्स को देने के बाद हमें सबसे पहले यहां पर बोला गया है so that, ठीक, यानी सबसे पहले हम इस वाले पोर्शन को सॉल्व करके बताएंगे कि हाँ ये इतना होता है, ये इतना होता है, ये सबसे पहले, और वो बताने के बाद हम क्या निकालेंगे, ए इनवर्स। लेकिन यहां पर ए इनवर्स जो निकालेंगे वो एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए वाले फॉर्मूले से नहीं निकालेंगे, यहां पर जो ए इनवर्स निकालेंगे वो एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए वाले से नहीं निकालेंगे। जब कभी भी क्वेश्चन में इस तरह का एक इक्वेशन दिया हुआ हो और तब अगर हमें ए इनवर्स निकालना हो तो हमें उस इक्वेशन को ही सॉल्व करके ए इनवर्स निकालना रहता है। ठीक। अब आओ, जब हम सॉल्यूशन लेंगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले ए हमारा 3 1 -1 है। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले ए स्क्वायर रहना चाहिए, तो ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू यहां पर 3 1 -1 2, यहां पर भी 3 1 -1 2 हो गया। इसका ऑर्डर बताओ,
टू बाय टू मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा? होगा। आंसर कितने का आएगा? टू बाय टू का आएगा, पक्का? अब आओ, टू बाय टू का अगर आंसर आएगा तो एक एलिमेंट यहां पर आएगा। ये वाला एलिमेंट का पोजीशन क्या है? ए वन वन। ए वन वन का मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। मल्टीप्लाई करते समय जो मैट्रिक्स पहले है उसका रो लेते हैं और जो मैट्रिक्स बाद में है उसका मल्टीप्लाई करो। आएगा? एक्चुअल में तो बीच में प्लस ही रहेगा, लेकिन जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस माइनस वन आएगा, तो प्लस माइनस आ गया। यहां पर जो एलिमेंट आएगा उसको ए वन टू बोलेंगे। ए वन टू का मतलब अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम मल्टीप्लाई करो। यहां पर जो आएगा वो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई करो। आएगा? और वहां पर मतलब सेकंड रो तो माइनस वन प्लस, देखो आंसर 8 5 माइनस फाइव आ गया। किसकी वैल्यू आई? ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब वहां पर देखो 5 है वो तो आराम से निकल जाएगा। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू, वैल्यू पुट करो। ए स्क्वायर, ए स्क्वायर का मतलब कितना आया है? 8 5 माइनस 5 3, ये हमारा ए स्क्वायर आ गया। ठीक, इसके बाद माइनस 5 a, a क्या था? 3 1 माइनस 1 2, ये हो गया। प्लस 7 आई क्या था है? इसको सॉल्व करना है। ये वाला हिस्सा तो हमारा वैसे का 8 5 8 5 माइनस 5 3, ये वैसे ही रहा। ये हमारा माइनस कितना हो जाएगा? 15 5 माइनस 5 10, और ये हमारा 700 हो गया। चलो सॉल्व करो। यहां पर 8 माइनस 15 प्लस 7 लिख सकता हूं क्या एक ही साथ? इसको इसके साथ सॉल्व करके आंसर आएगा वो, और फिर उसको इसके साथ, तो इसका मतलब 8 माइनस 15 प्लस आया। यहां पर आओ 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस यहां पर आओ माइनस 5 माइनस 5 प्लस 5 प्लस और उधर 3 माइनस 10 कितना आया? 0। आया? इसी को कितना बोला गया था? 0 आ गया। अच्छा, एक बात का ध्यान और रखना, नाम में नल मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहा जाता है जिसके सारे एलिमेंट्स 0 हों। सारे एलिमेंट, किसी भी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट अगर 0 हैं तो उसे हम
के नाम से ही बुलाते हैं। कई बार क्वेश्चन में लैंग्वेज में लिख देते हैं कि सो दैट दिस इज ए नल मैट्रिक्स। दिस इज ए नल मैट्रिक्स का मतलब ये कि उसके सारे एलिमेंट जीरो होंगे। देखो पहला पार्ट प्रूफ हो गया, पहला पार्ट प्रूफ हो गया। अब हमें ए इनवर्स निकालना है, तो यहां पर जो ए इनवर्स निकालेंगे वो नॉर्मली एडजॉइंट ए अपॉन मॉड ए वाले मेथड से नहीं निकालेंगे। ठीक, किस मेथड से निकाल रहे हैं इसको मिटा दो। कॉपी में तब इसको लिख लो, मेरे को मैट्रिक्स की जरूरत पड़ेगी और उसकी जरूरत पड़ेगी। ये मैट्रिक्स और ये इक्वेशन, बस मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। हो गया, हो गया। इक्वेशन बताओ, नहीं नहीं इक्वेशन, प्लस ये हमारा इक्वेशन था। हमने अभी अभी इस इक्वेशन को क्या किया, प्रूफ किया ये है। अब हमको निकालना क्या था, ए इनवर्स निकालना था। अब यहां पर क्या करते हैं, हम दोनों साइड में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए इनवर्स से। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे जिसमें एक इक्वेशन इस तरह से प्रूफ करना हो और तब ए इनवर्स निकालना हो, पहले एक इक्वेशन प्रूफ करेंगे और फिर ए इनवर्स अगर निकालना हो तो वैसे क्वेश्चन में हमेशा दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लेना, ए इनवर्स से। अब आ जाओ, ये जो है ए इनवर्स इनटू ए स्क्वायर आएगा माइनस फाइव ए इंटू ए इनवर्स आएगा प्लस सेवन आई इंटू ए इनवर्स आएगा और इज इक्वल टू में तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो जीरो खुद ही है। जीरो में किसी भी चीज का मल्टीप्लाई करूंगा आएगा। अब वापस आओ, इसको देखो, फाइनल बताओ क्या आएगा, ए आएगा। आया समझ में, कैसे आया, आ गया। चलो इसको बताओ, नॉर्मल अलजेब्रा में जो वन होता था वो यहां पर आई है। ये जो लिखा है इस ए इनवर्स को अपन नीचे ला रहे हैं, नीचे लाएंगे तो ए और ए क्या हो जाएगा, कैंसल, क्या बचेगा, वन 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 को क्या लिखते हैं, आई। ये आई पहले से लिखा हुआ था ना, और आई का मतलब अलजेब्रा वाला वन, वन में किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे वही आएगा, आया। और इज इक्वल टू में, अब आ जाओ, क्या मेरे को ए की वैल्यू पता है, पता है क्या है, थ्री वन, इट्स ए की वैल्यू हो गई, माइनस फाइव, आई की वैल्यू मेरे को पता है, प्लस सेवन ए इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा क्यों ना ये सॉल्व कर लूं, एक लाइन बीच का उड़ा दे रहा हूं मैं, मैं लिख रहा हूं थ्री माइनस फाइव, वन माइनस जीरो, माइनस वन माइनस जीरो, टू माइनस फाइव, समझ गए। पहले मैंने इसको मल्टीप्लाई किया जो आया, फिर उसको इसके साथ सॉल्व किया। अच्छा यहां पर प्लस सेवन
ए इनवर्स इज इक्वल टू, अच्छा ये कितना आ गया, प्लस सेवन ए इनवर्स इज इक्वल टू। अब यहां से एक बात का ध्यान रखना, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, ए इनवर्स की, तो जाहिर सी बात है जिसकी भी वैल्यू निकालनी हो वो पॉजिटिव होना चाहिए, वो खुद में कैसा होना चाहिए। तो पहले जब यहां तक पहुंचोगे तो यहां के बाद ए इनवर्स वाले को देखना कि वो कहां पर है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उसके अकॉर्डिंगली हम उसको शिफ्ट करेंगे। अगर ए इनवर्स वाला पार्ट नेगेटिव होगा तो पहले उसी को शिफ्ट कर देना ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, पॉजिटिव में, और अगर पॉजिटिव है तो उसको वहीं रखना, बाकी को शिफ्ट करना। शिफ्टिंग में प्लस माइनस का साइन चेंज होगा, ठीक। अब बताओ मैट्रिक्स को शिफ्ट करना है किसको शिफ्ट करना है, मैट्रिक्स को करना है क्योंकि पहले से, तो यहां के बाद 7A इनवर्स इज इक्वल टू, अब इन सबका साइन चेंज हो जाएगा, सभी का क्या होगा 2-1। अच्छा ये 7 का इसके साथ क्या है, मल्टीप्लाई, ये 7 उधर जाएगा तो डिवाइड, इसको ऐसे लिखना 1/7 मैट्रिक्स 2-1, 1, 3। देखो ए इनवर्स आया कि नहीं आया, क्या हमने कहीं एडजॉइंट निकाला, नहीं निकाला, मॉड ए निकाला, नहीं निकाला, आया, ऐसे निकालते हैं, ऐसे निकालते हैं। एक और दूं, ऐसा वाला, एक सबसे पहले क्या निकालोगे, पहले इक्वेशन को, इक्वेशन को प्रूफ करने के लिए पहले क्या निकालोगे, ए स्क्वायर, पहले ए स्क्वायर कैसे निकालेगे, पहले ए बाद में भी मल्टीप्लाई होके जो आंसर आएगा वो ए स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर में फिर वापस ए से मल्टीप्लाई करोगे, जब ए क्यू निकल जाए तब इस इक्वेशन को ले लेना, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करके कितना आना चाहिए, आना चाहिए, पहले वहां तक करो।
ए स्क्वायर आ गया, क्या ये ए स्क्वायर आया? ए है, ए स्क्वायर निकल गया। अब ए स्क्वायर को एक के साथ मल्टीप्लाई करो, नहीं है ए क्यूब आ गया, इक्वेशन में पुट करो।
ये प्रूफ हो गया, हो गया। अब क्या निकालना है हमको, इनवर्स इक्वेशन जो भी दिया हुआ रहे उसमें हमेशा मल्टीप्लाई किससे करोगे, ए इनवर्स से ही करोगे। तो पहले तो ये लिख देना, पूरा इक्वेशन लिखना, फिर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई ए इनवर्स लिखने के बाद जब ए इनवर्स का मल्टीप्लाई करोगे तब ए इनवर्स इंटू ए क्यूब माइनस सिक्स ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर प्लस नाइन ए इनवर्स इंटू ए माइनस फोर ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू, ऐसे लिखोगे। इसके बाद एक छोटा सा काम ये करना, इसमें से एक ए बाहर निकाल लेना, ए इनवर्स इंटू ए, यहां बचेगा क्या, बचेगा बचेगा यहां से ए इनवर्स इंटू ए बचेगा क्या, यहां पर ऐसा क्यों, ए इनवर्स इंटू ए, ए इनवर्स इंटू ए क्या होगा, तो इसकी जगह पर आई इंटू ए स्क्वायर माइनस सिक्स आई इंटू ए प्लस नाइन आई माइनस फोर अभी फिलहाल इसको ऐसे ही रखो। अच्छा ये जो आई है मैट्रिक्स वाला वो अलजेब्रा वाला क्या है, वन वन से जिसमें मल्टीप्लाई करोगे तो वही आएगा, तो यहां पर ये क्या बन गया ए स्क्वायर सिक्स ए आई रहेगा क्योंकि आई का मल्टीप्लीकेशन यहां पर किसी के साथ नहीं है। हाँ ये क्या होगा इज इक्वल टू, अब इस लाइन के बाद इनवर्स वाला पार्ट कहां पर है वो देख लो, प्लस है कि माइनस है, माइनस तो उसी को पहले शिफ्ट कर दोगे तो प्लस बन जाएगा, बाकी सब वैल्यू पुट करो, लास्ट में फोर को इधर बुला लेना। आ गया,
आ गया, इनवर्स आ गया। ए इनवर्स निकालने के कितने मेथड हो गए? दो मेथड, एक अपना नॉर्मल ट्रेडिशनल एडजॉइंट ए वाला अपॉन मॉड ए वाला, ठीक, और एक ऐसा इक्वेशन वाला। एग्जाम में यही दोनों में से कोई एक रहेगा, दोनों में से कोई। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, इफ ए इज इक्वल टू दिस वन, ए इज इक्वल टू फाइंड ए इनवर्स अगर बोला तो उसको कैसे निकालना है? एडजॉइंट वाले से, ठीक। और अगर इस तरह से कोई इक्वेशन देख के तब ए इनवर्स निकालना हो तो ये वाले मेथड से, ठीक। गड़बड़ कहां करते हैं सब? गड़बड़ यहां करते हैं, ए इन टू ए इनवर्स में आई नहीं लिखते हैं, ए इन टू ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू ए वाला जो पोर्शन है ना, इसको आई नहीं लिखते हैं। माइंड में रहता है कि वो वन है तो नाइन का वन से मल्टीप्लाई होके नाइन आ गया, हम अपने को वहां आई लिखना है, क्योंकि ये एलजेब्रे के फॉर्म में है या मैट्रिक्स के फॉर्म में? मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो मैट्रिक्स के फॉर्म में हर एक जगह मैट्रिक्स आना चाहिए, ठीक। अब आओ इसी का एप्लीकेशन, इसी का एप्लीकेशन। पूरे मैट्रिक्स में मैंने कितनी चीजें बोली थी इंपॉर्टेंट हैं? दो, मल्टीप्लीकेशन और इनवर्स बोला था। उन दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो होता है, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को जब हम सॉल्व करते हैं तो उसमें आता है। टेंथ क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़े होंगे, क्या पढ़े थे? पढ़े थे, एक बार जल्दी से समझ लो। मैथमेटिक्स में, मैथमेटिक्स में इक्वेशन अपन उसको कहते हैं जिसमें इक्वल टू का साइन लगा हो, इक्वल टू के पहले लेफ्ट हैंड साइड में भी कुछ लिखा हो, राइट हैंड साइड में भी कुछ लिखा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? सिंपली इक्वेशन है ये, क्या बोले? इक्वेशन। पहले आरएचएस में जीरो हो लेकिन लिखा हुआ रहना चाहिए, बीच में इक्वल टू का साइन चाहिए, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ चाहिए, वो हमारे लिए इक्वेशन, इक्वेशन, ठीक। अच्छा, इसके बाद मैथमेटिक्स में कांस्टेंट और वेरिएबल, यही दोनों चीजें होती हैं। मैथमेटिक्स में कभी भी अगर कुछ लिखा जाता है या तो वो कांस्टेंट में आएगा या वेरिएबल में आएगा, ठीक। हमेशा इस बात का ध्यान रखना, जब भी पावर वगैरह देखना हो, जब भी डिग्री देखना हो, पावर देखना हो, एक्सपोनेंट देखना हो, वो हमेशा किसका देखते हैं? वेरिएबल का देखते हैं। डिग्री, पावर, एक्सपोनेंट जो भी बोलो, जब भी देखना हो किसका देखेंगे? वेरिएबल का। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में कांस्टेंट भी होगा और वेरिएबल भी होगा, ठीक। अगर वेरिएबल, जो भी यहां पर वेरिएबल यूज हुआ है, उस वेरिएबल का पावर वन है, वेरिएबल का पावर, तो उसको क्या बोलेंगे? लीनियर बोलेंगे। लीनियर कब बोलते हैं? किसका पावर? वेरिएबल का पावर। अच्छा, कितने वेरिएबल हैं? दो वेरिएबल, एक्स और वाई। तो टेंथ क्लास में हम कुछ ऐसा देखते थे, देखते थे, और इसको हम कहते थे कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। इक्वल टू का साइन था लेफ्ट हैंड में और राइट हैंड में कुछ ना कुछ लिखा था, तो इक्वेशन भी हो गया। इस पूरे इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? तो कौन कौन से? एक्स और एक्स का पावर, वाई का पावर, लीनियर भी हो गया। तो पूरे को मिलाए तो लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल था। अब अगर ध्यान में हो कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को हम कितने मेथड से सॉल्व करते थे, ध्यान में है कितने मेथड से? सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन और एक ग्राफिकल मेथड होता था। टोटल कितने मेथड? चार। सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ग्राफिकल वाले को तो तभी करते थे जब बोलते थे कि ग्राफिकल से करना है, नहीं तो अपने पास कितने ऑप्शन है, जिससे भी सॉल्व करना है कर लो। अब आओ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होता था उसको हम तीन मेथड से सॉल्व कर सकते थे। अब मैट्रिक्स चैप्टर में भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है, मैट्रिक्स चैप्टर में भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होता है और उसको हमें सॉल्व करना होता है। ठीक, मैट्रिक्स चैप्टर में जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा उसको सॉल्व करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड यूज करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड यूज करेंगे जिसे हम मैट्रिक्स मेथड का नाम देते हैं। कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन बाय, डायरेक्ट लिखा हुआ रहेगा, कई बार देगा कई बार नहीं देगा, बस लिख देगा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। सॉल्व द, कौन सी क्लास में हो? ट्वेल्थ क्लास में। पूरे सिलेबस में अगर क्वेश्चन पेपर में कहीं पर दिखा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन और उसके बाद लीनियर इक्वेशन अगर दिखा तो किससे सॉल्व होगा? मैट्रिक्स मेथड से ही सॉल्व होगा। ठीक, अगला बात, जब हम 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ते थे तो एक साथ कितने इक्वेशन दिए रहते थे? दो इक्वेशन। अगर हमें दो वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास दो इक्वेशन होने चाहिए, अगर तीन वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी हो तो हमारे पास तीन इक्वेशन होगा। इस बात को ध्यान रखना, जितने वेरिएबल उतने इक्वेशन। ठीक, यह है हमारा क्वेश्चन, सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, क्या डायरेक्ट सॉल्व है तो सॉल्व करने बोला है, क्या यह लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना है, तो मेथड कौन सा रहेगा? हाँ, ट्वेल्थ क्लास में सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड, मैट्रिक्स मेथड। ठीक, अब मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, जब भी हम सॉल्व करते हैं तो जो इक्वेशन हमारे पास गिवेन है पहले उसको ले लेंगे, ठीक, इसके बाद हमें तीन मैट्रिक्स फॉर्म करने रहते हैं, तीन मैट्रिक्स फॉर्म करने होंगे, कितने मैट्रिक्स? यहां पर देखो कितने वेरिएबल हैं, दो वेरिएबल हैं, अगर हमारे इक्वेशन में दो वेरिएबल रहा तब भी तीन मैट्रिक्स, अगर हमारे इक्वेशन में तीन वेरिएबल रहा तब भी तीन ही मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स? तीन, यहां तक कि तीनों का नाम भी फिक्स होता है, पहले वाले का नाम मैट्रिक्स ए, दूसरे वाले का एक्स, तीसरे वाले का बी,
ए एक्स बी, ठीक। अब आओ, हमें मैट्रिक्स ए बनाना है। मैट्रिक्स ए हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट से बनता है। मैट्रिक्स ए किससे बनेगा? लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स हैं उनके कोफिशिएंट से बनेगा। कोफिशिएंट में बताओ, आ गया? फिर आएगा बारी मैट्रिक्स एक्स का। ध्यान रखना, मैट्रिक्स का नाम जब भी किसी मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखोगे तो वो हमेशा कैपिटल होना चाहिए। एक्स कौन सा? कैपिटल वाला, ठीक। अब एक्स वाले मैट्रिक्स में तुम्हारे जितने वेरिएबल होंगे उसी को लिखोगे, जितने उसी को लिखना है। कितने वेरिएबल हैं? तो चार वेरिएबल है, दो वेरिएबल है। अच्छा, ध्यान इस बात का भी रखना कि पहले कौन सा है। पहले जो रहेगा वो पहले लिखोगे बाद वाले को। तो इक्वेशन में पहले कौन है? तो हम यहां पर x और उसके बाद इसको कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, ठीक। इसके बाद क्या है? p जो होगा वो राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट है उससे बनता है। राइट हैंड साइड में जो उसी से बनेगा। कॉन्स्टेंट में क्या क्या है? ये भी हमारा कॉलम मैट्रिक्स के फॉर्म में ही रहेगा। हमारे पास इक्वेशन है, इक्वेशन से हमें कितने मैट्रिक्स फॉर्म करने हैं? तीन मैट्रिक्स फॉर्म करने हैं, क्लियर। एक चीज और, कई बार इक्वेशन ऐसे भी लिख देते हैं, कई बार इक्वेशन ऐसे भी लिख देंगे, ठीक। ध्यान इस बात का रखना, लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। अगर है तो कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे, ठीक। अब आओ, इक्वेशन दिख रहा है, कितने इक्वेशन है? अगर तीन इक्वेशन है तो आंख बंद करके समझ जाना तीन वेरिएबल भी होगा। दिखा तीन वेरिएबल। अब आओ, कितने मैट्रिक्स बनेंगे? तीन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स ए जो होगा उसमें क्या क्या आएगा? क्या? थ्री माइनस टू, थ्री टू वन माइनस वन, फोर माइनस थ्री टू। ये हमारा मैट्रिक्स ये बन गया। अब मैट्रिक्स ठीक, अब मैट्रिक्स हो गया। और एक छोटा सा चीज, कई बार बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जिसमें पहले इक्वेशन में तुमको तीन दिखेगा, तीन वेरिएबल दिखेगा, इसमें दो ही दिखेगा, इसमें दो ही दिखेगा। ये मत सोचना कि दो ही वेरिएबल है। अगर
पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी अगर तुमको तीन वेरिएबल दिखा तो समझ जाना 3/3 का होगा वो। तो 3/3 में जो चीज नहीं है उसको 0 इंटू करके लिखो। मान लो यहां पर 2x नहीं लिखा रहता, 2x ये y माइनस जेड ही लिखा रहता, तो मैं अलग से यहां पर 0 इंटू x लिखता, 0 इंटू लिखता और फिर वापस वहां यहां पर 0 लाता है। अब आ जाओ, क्या दो अलग अलग क्वेश्चंस हैं? दोनों अलग अलग क्वेश्चंस में हम सेम लेवल तक पहुंच गए। सेम लेवल तक पहुंचने के बाद हमें ए इनवर्स निकालना रहता है, ए इनवर्स निकालना होगा। अब बताओ यहां पर अगर ए इनवर्स निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए अपॉन मॉड वाला, तो उस वाले मेथड से इनवर्स निकालते समय पहले मॉड ए निकालना, मॉड ए निकालना, मॉड, चलो मॉड ए निकालो। आया क्या मॉड ए? 0 आया, 0। अगर 0 नहीं आया तो इसका मतलब इनवर्स निकलेगा, इसका इनवर्स निकलेगा, ठीक। इसका इनवर्स निकाल लोगे, निकाल लोगे पक्का? अब आ जाओ, ए इनवर्स जब निकल जाए, ए इनवर्स जब हमें जब भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना रहता है किस मेथड से सॉल्व करते हैं? मैट्रिक्स मेथड से। मैट्रिक्स मेथड में क्या होता है, यही मैट्रिक्स मेथड है। एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, ठीक। अब समझना, मेरे पास ए है, इस ए की हेल्प से मैं क्या निकालूंगा? ए इनवर्स। तो ए इनवर्स जो आएगा वो भी अपने आप में एक मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा? मैट्रिक्स ही होगा। अब उसका मैं बी के साथ क्या करने वाला हूं? मल्टीप्लाई। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो यहां से भी एक आंसर आएगा, वो आंसर भी किसके फॉर्म में होगा? मैट्रिक्स के फॉर्म में। अब यहां इक्वल टू के पहले क्या है? एक्स। एक्स क्या है? एक मैट्रिक्स है, और इसका जो आंसर आएगा वो भी मैट्रिक्स के फॉर्म में आएगा। दोनों के बीच में क्या लगा है? इक्वल। क्या हमने मैट्रिक्स में कभी इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पढ़ा है? अगर इक्वल टू लगा रहता है तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए, पहला चीज, और इच करस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी। तो यहां पर का एक्स वाले का पहला एलिमेंट एक्स है, जो इधर का पहला वाला आंसर आएगा उसमें एक्स की वैल्यू रहेगी और वाई की रहेगी। आया समझ में? चलो पहले ए इनवर्स निकालो, समझ में आएगा। ए इनवर्स तो निकाल सकते हो, मॉड तो हमने निकाल ही लिया था, एडजॉइंट निकालो।
इनवर्स आ गया, एक्स वाई आ गया, कितना आया? एक्स फोर। एक्स और वाई की वैल्यू को यहां पर पुट करने पर वो सॉल्व होना चाहिए, आना चाहिए, मेरे को नहीं लग रहा कि आएगा। एक्स वाई की वैल्यू जो भी आएगी उसको इक्वेशन में रख के देख लेना, वो सेटिस्फाई होना चाहिए। एक्स की वैल्यू तो माइनस वन आ रही है, बन जाएगा ठीक।